हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये है क्लास नंबर 2, क्लास 12th की, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उनके हमने ग्राफ समझे थे, ठीक है। और मैंने हमने बताया था कि आपको कि वो फंक्शंस क्या नहीं थे, आप उनका इन्वर्टिबल नहीं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे। तो उसका इन्वर्स हमें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। हम उसको बाइंड करते हैं, मतलब उसको कहीं पे लिमिट कर देते हैं, कैसे, अब वो ही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। अब मान लीजिए ये आपके पास साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ ही ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है कि हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए कैसे हम बता सकते हैं कि ये फंक्शंस इन्वर्टिबल होने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या है साइन फंक्शंस के ग्राफ को, मैंने आपको डिटेल में बताया था। जीरो पर वैल्यू जीरो होती है, पाई बाय टू पर वैल्यू होती है वन, और पाई पर होती है जीरो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है यहाँ पर। अब फिर हमने बताया था कि यहाँ पर थ्री पाई बाय टू पर वैल्यू माइनस वन जीरो, तो इस तरीके से कुछ आपका ये ग्राफ होता है, किसके लिए, साइन एक्स के लिए। ये ग्राफ है आपका साइन एक्स के लिए। अब इस ग्राफ को हमें बाइंड करना है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू है और ये वैल्यू है आपकी माइनस पाई, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस वन और ये वैल्यू प्लस वन। ये इस तरीके से आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो ओड फंक्शन होता है। अब हम बताते हैं यहाँ पर इसका मतलब। अब हमने क्या किया, अब हम अगर आप इस फंक्शन को सिर्फ माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में देखो, यहाँ पर देखो आप माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, मतलब सिर्फ आप ये वाला फंक्शन देखो, सिर्फ आप ये वाला पार्ट देखो इस जो मैंने रेड कलर से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चेक करने वाले हो, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये ही थी कि हमारी डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक वैल्यू आ रही थी, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन था वो हमारा बाइजेक्टिव नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी भी हर एक एवरी सिंगल पॉइंट आपका यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर ये डिनोट करता है इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसके लिए कुछ वैल्यू होने वाली है, इस पॉइंट के लिए कुछ वैल्यू होने वाली है, ऐसे ही इस पॉइंट के लिए कुछ वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट वैल्यू आप देख सकते हैं, सभी के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। कब, जब हम बात करते हैं माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। जब हम बात करते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, सभी हमारे पास सभी वैल्यूज आप देख सकते हो, सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। और सभी वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं उनके पास सभी की प्री इमेज है, मतलब वो फंक्शन ऑन टू और यहाँ पर वन वन है, ठीक है। सभी वैल्यूज के लिए आप किसी भी पॉइंट के लिए देख सकते हो, सभी के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होने वाला है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये फंक्शन आपका, ये फंक्शन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, मतलब आप इसके लिए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में जब आप एंगल देखते हो, ये थीटा देखते हो, तो ये आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी तरीके से हम सभी फंक्शंस के लिए बाइंड करने वाले हैं, कुछ वैल्यूज लिमिट करने वाले हैं और कुछ ब्रांच देखने वाले हैं। ये आपकी ब्रांच थी, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो हम जीरो से पाई तक भी तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए एक वैल्यू आ जाती, इसलिए हमने नहीं ली है। और हम पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी ले सकते थे, लेकिन ये पाई बाई टू से अगर हम थ्री पाई बाई टू तक लेते तो हमारे पास सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज आती, लेकिन यही ली गई है, तो इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। और इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू की वैल्यू इंक्लूडेड होते हैं। तो अब हमारी जो डोमेन रियल नंबर्स थी वो डोमेन कहाँ से कम हो गई है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रह गई है सिर्फ हमारी न्यू डोमेन साइन एक्स के लिए। साइन एक्स के लिए न्यू डोमेन क्या है हमारे पास, यहाँ सिर्फ रह गई है हमारे पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ठीक है। अब हमारी रेंज कितनी होने वाली है, रेंज आप देख सकते हैं, हमारे पास मिनिमम वैल्यू माइनस वन है और मैक्सिमम वैल्यू वी आर गेटिंग वन,
ठीक है, माइनस वन और वन इंक्लूडेड है, तो हम बोल सकते हैं हमारी जो रेंज होने वाली है वो माइनस वन से वन तक होने वाली है। जब कभी भी हम वैल्यूज इंक्लूड करते हैं, इस माइनस वन कोमा वन का मतलब है कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये बताते हैं कि वन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो मतलब है कि वन आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो ये साइन एक्स के लिए अब हम बात करते हैं, तो साइन एक्स के लिए यहाँ पर फंक्शन होने वाला है। डोमेन क्या होने वाली है साइन एक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन साइन एक्स के लिए अभी हमने बताई है माइनस पाई बाई टू से थीटा इक्वल है पाई बाई टू तक, और यहां पर ये रेंज आपकी होने वाली है माइनस वन टू वन, और ये आपको याद रखनी है। अब ये जो फंक्शन है आपका इस फिगर में बना हुआ, ये साइन एक्स के लिए फंक्शन है। अब आपको ड्रॉ करना है कि साइन इनवर्स एक्स आपका कैसे फंक्शन होने वाला है, उसके लिए कुछ आप स्टेप्स हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आप वैल्यूज भी पुट करके ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ये फिगर नंबर जो वन है आपके पास, ये फिगर आपकी ये पिक्चर ये साइन एक्स के लिए है। ये वाली एक्सिस आपको पता होती है एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस होती है वाई एक्सिस। तो अब हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो साइन इनवर्स मतलब इसका उल्टा होने वाला है। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी क्या किया, इस फंक्शन को रोटेट कर लिया है, इस फंक्शन को रोटेट कर लिया है, और हमारे पास ये सेकंड इमेज आती है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो यहां पर ये वाला पार्ट, जब आप इसको रोटेट करोगे लेफ्ट साइड में, आप इसको ऐसे रोटेट करोगे लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो पूरी फिगर है ये इतनी फिगर है, आपको रोटेट इसको कैसे करना है, ऐसे रोटेट करना है, ये ऐसे हो जाए। ठीक है, आपका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाए, और एक्सिस यहां पर आपकी कौन सी आने वाली है, एक्स एक्सिस थी तो एक्स एक्सिस आ गई है यहां पर, और वाई एक्सिस आ गई है यहां पर। ठीक है, आपने इस पूरी पिक्चर को जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखी है, आपने इसको रोटेट कर लिया है, और ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस बन चुका है। अब जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये वाला पार्ट जो मैं येल्लो पार्ट कर रहा हूं ड्रो, तो ये वाला येल्लो पार्ट इधर आ जाता है। ठीक है, और ये येलो वाला पार्ट जो आप ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये सभी पार्ट इधर आ जाता है। ठीक है, और ये पार्ट आपका इतना आ जाता है, और ये पार्ट आपका इतना आ जाता है जब इसको ड्रॉ करते हो। लेकिन अभी ये इनवर्स नहीं बना है आपका, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमें इस को फ्लिप करनी होगी, एक्सिस को फ्लिप करनी होगी। फ्लिप मतलब ये जो आपकी एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस इसका नाम दिया गया है फिगर टू में, आप इसको मिरर इमेज इसकी जो होने वाली है वो आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होने वाला है, साइन इनवर्स का ग्राफ होने वाला है। तो आप इसको फ्लिप करते हो इस पार्ट के लिए, ये जो ब्लू पार्ट है यहां पर आप देख सकते हो, इसके लिए आप इसको वाई एक्सिस से फ्लिप करते हो तो ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, और इस ब्लू पार्ट के लिए जब आप इसको फ्लिप करते हो तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाता है वाई एक्सिस के, आप मिरर इमेज निकाल रहे हो, और इस ब्लू पार्ट के लिए आपके पास ये पार्ट आ जाता है, और इस पार्ट के लिए आपके पास ये पार्ट आ जाता है। ये ही आपका ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। अब हमें पता है साइन एक्स के लिए डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स के लिए यहां पर डोमेन देखो आप, माइनस वन से वन है, और रेंज आपकी होने वाली है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ये माइनस पाई बाई टू से आपकी, ये माइनस पाई बाई टू, मैं आपको इसको यहां पर देखिए, इसको यहां पर ब्लू कलर से, ये रेड कलर से यहां पर आपको दिख जाएगा, ये रेड कलर से बता देता हूं, ये आपकी रेंज होने वाली है। मतलब साइन एक्स के लिए जो डोमेन होती है वो साइन इनवर्स एक्स के लिए आपके पास रेंज हो जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है, डोमेन है माइनस वन टू वन। ठीक है, डोमेन है माइनस वन टू वन, और रेंज आपके पास माइनस पाई बाई टू टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, और ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ये आपकी डोमेन और रेंज है, और ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमने ग्राफ कर लिया है रोटेट, ये साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज है, और ये साइन एक्स के लिए और साइन इनवर्स एक्स के लिए है। सिर्फ फर्क ये होता है साइन एक्स के लिए डोमेन, साइन इनवर्स एक्स में रेंज बन जाती है, और रेंज डोमेन बन जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो माइनस वन से वन तक वैल्यूज आप पुट कर रहे हो एक्स एक्सिस में, तब आपको वैल्यू मिल रही है इस ग्राफ के
लिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, यहां तक आपको वैल्यूज जो मिल रही है वो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल बता रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, आपको इसको बनाना है, आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, याद रखना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ के लिए, जो कि हमारा कोस एक्स के लिए ग्राफ है। किसके लिए है? कोस एक्स के लिए। तो आप इस बॉक्स में देख सकते हैं ये जो ग्राफ है कोस एक्स के लिए है। अब हमें इसको भी बाइंड करना है, इसको भी कुछ वैल्यूज के लिए बाइंड करना है, ताकि ये क्या बन जाए, इन्वर्टिबल बन जाए। तो आप यहां पर देख सकते हो इस ग्राफ के लिए, अगर हम इस ग्राफ को यहां पर हमने जैसे यहां से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बाइंड किया था साइन एक्स के लिए, ऐसे ही हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कोस एक्स को बाइंड करने वाले हैं जीरो। ये देखिए आप इस फिगर में देख सकते हैं, जीरो से लेके पाई तक हम इस ग्राफ को बाइंड करने वाले हैं, यहां तक हमने इसको बाइंड कर लिया है। जब आप इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए देखते हो, सभी वैल्यूज के लिए जो सभी एंगल्स के लिए आंसर अलग अलग आता है, तो ये फंक्शन यहां पर क्या होता है, इन्वर्टिबल। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल हो गया है, तो इसके लिए डोमेन कितनी होने वाली है, जीरो से लेके सिर्फ पाई तक होने वाली है, जीरो से लेके पाई तक होने वाली है, और ये वैल्यू इंक्लूडेड है। और आपको रेंज कितनी मिल रही है, माइनस वन से वन तक वैल्यूज मिल रही है, तो आप यहां पर कह सकते हो ये कोस एक्स के लिए डोमेन और रेंज हो गई है कोस एक्स के लिए, जीरो से पाई तक और माइनस वन टू वन। अब हमें इस ग्राफ का इनवर्स बनाना है, तो सेम आप यहां पर इसको बॉक्स समझो, यहां पर ये बॉक्स है आपका, ठीक है, ये आपका बॉक्स है कुछ इस तरीके से, और ये जो बॉक्स में ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस है, इस बॉक्स को आप 90 डिग्री रोटेट कर दो लेफ्ट साइड, ठीक है, तो आपके पास जो फिगर आने वाली है, जो आपके पास फिगर आने वाली है, ये फिगर आने वाली है आपके पास, ये आपके पास फिगर आने वाली है। आपने ये जो पार्ट है जिसको मैं येल्लो से कर रहा हूं, ये आपके पास ये पार्ट है, ठीक है, और ये इतना पार्ट आपके पास, ये जो इतना पार्ट है आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपके पास ये पार्ट है, ठीक है, और आपके पास ये वाला पार्ट ये है। लेकिन अभी एक्सिस यहां पर ये जो एक्सिस है ये वाई है, और यहां पर ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस आपकी वाई है, और यहां पर ये एक्सिस क्या है, एक्स है आपके पास। तो आपको क्या करना होगा, इन एक्सिस को फ्लिप करना होगा, ताकि आपके पास आंसर मिल जाए। तो ताकि आपके पास क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए, और सही तरीके से आपका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाए। तो आपने यहां पर जब इसको शिफ्ट किया था, तो ये ऐसे घूम गया था। अब देखो यहां पर इसको फ्लिप करना है, फ्लिप करने के लिए ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस बन जाती है। तो यहां पर ये आपका ग्राफ बन गया है किसके लिए, कोस इनवर्स एक्स के लिए। और कोस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज क्या होती है, कोस एक्स की इनवर्स। तो आप यहां पर लिख सकते हो कोस एक्स के लिए यहां पर डोमेन क्या होने वाली है, माइनस वन टू वन, और आपके पास रेंज होने वाली है कोस इनवर्स एक्स के लिए जीरो टू पाई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सबसे पहले आपने ग्राफ को 90 डिग्री रोटेट किया, शिफ्ट किया, ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और आपने देखा ये आपके पास ग्राफ मिलता है, ठीक है, फिर आपको क्या मिल रहा था, फिर आपको ये ग्राफ फाइनली, ये जो थर्ड वाली फिगर है, थर्ड वाला ग्राफ है, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपको ये ग्राफ मिलने वाला है। और ये ही फिगर होती है साइन इनवर्स एक्स के लिए, आपको याद रखना है, सॉरी कोस इनवर्स एक्स के लिए, कोस इनवर्स एक्स माइनस वन टू जीरो, माइनस वन से वन आपकी डोमेन होती है कोस इनवर्स एक्स के लिए, और रेंज होती है जीरो से पाई तक। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड ग्राफ के लिए, टेन एक्स के लिए। तो टेन एक्स का हमने ग्राफ देखा था, और टेन एक्स को भी हम वैल्यू बाउंड कर देते हैं, टेन एक्स के लिए हम डोमेन इसकी बाउंड कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक करती हैं टेन एक्स के लिए, हमारे पास जो डोमेन रखते हैं, हम डोमेन रखते हैं, डोमेन 10x के लिए वो होती है, 10x के लिए आप देख सकते हो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर वैल्यूज नहीं होती, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हम वैल्यूज रखते हैं, ये इसकी डोमेन हो जाती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक 10x के लिए डोमेन हो जाती है, और ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि ये ग्राफ कभी मिलने नहीं वाला है पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर। और आपके पास यहाँ पर 10x के लिए जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर सभी रियल नंबर्स मिल रही हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो रेंज रियल नंबर होने वाली है। ये हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये ही सेम हमने रोटेट करके बनाया है, ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप है, टू स्टेप हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, अब आपको समझ में आ गया कैसे हम बनाते हैं। तो ये टेन इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ है, और टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाने वाली है, ये टेन इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ है, टेन इनवर्स एक्स के लिए यहाँ पर डोमेन आर से लेकर रेंज होने वाली है आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मैंने आपको बताया था इनवर्स हो जाती है, सिर्फ इसकी डोमेन बन जाती है रेंज, और रेंज बन जाती है डोमेन टेन इनवर्स एक्स के लिए, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोट एक्स के लिए, कोट एक्स के लिए भी सेम है, लेकिन यहां पर हम प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं जीरो से पाई तक। कोट एक्स के लिए हम लेते हैं जीरो से
पाई तक, जीरो से पाई तक लेते हैं, ठीक है, और कोटेक्स के लिए जीरो से पाई तक लेते हैं और वैल्यूज हमारे पास रियल नंबर आती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है जीरो से पाई तक, इस सभी ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज आने वाली हैं। कोट इनवर्स एक्स के लिए आपको पता है, कोट इनवर्स एक्स के लिए आप बता सकते हो सिंपल तरीके से कि यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होने वाली है, आर से लेकर जीरो कोमा पाई, ठीक है, जीरो से पाई तक होती है, आर आपकी डोमेन होती है और रेंज होती है जीरो टू पाई। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो हमारा है सेक फंक्शन, सेक एक्स फंक्शन, और ये ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स के लिए। अब आप सेक इनवर्स एक्स के लिए मैंने आपको बताया था माइनस वन और वन के बीच में कोई भी वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है, माइनस वन और वन के बीच में कोई वैल्यूज नहीं होती है। तो यहां पर आप सेक इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए यहां पर हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं जीरो से लेके पाई। देखो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, ये वैल्यू जीरो से पाई तक वैल्यू हम ले रहे हैं किसके लिए, किसके लिए ले रहे हैं हम, सेक एक्स के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू होने वाली है, जीरो वैल्यू और पाई वैल्यू इंक्लूडेड है, जीरो और पाई वैल्यू इंक्लूडेड है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई बाई टू के लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी ग्राफ यहाँ पर पाई बाई टू के लिए टच नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया था जब आप वन अपॉन कोस एक्स, वन अपॉन नाइनटी आता, कोस नाइनटी रखते हो तो वन अपॉन जीरो आता है, वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो डोमेन में से आपके पास एक वैल्यू माइनस होने वाली है जो कि आपके पास पाई बाई टू है, रेंज आपके पास होने वाली है आर माइनस, आर माइनस और माइनस वन। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ये जो वन है और माइनस वन है, इसके बीच में आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो सभी रियल नंबर्स में आप माइनस कर देते हो माइनस वन कोमा वन, वन और माइनस वन इंक्लूडेड है लेकिन वन और माइनस वन के बीच में जो वैल्यूज हैं वो नहीं मिल रही हैं, इसलिए आपकी रेंज ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपको, ये है सेक एक्स के लिए, सेक एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए मैं आपके पास यहाँ पर देख सकता हूँ, सेक इनवर्स एक्स के लिए ये आपकी डोमेन हो जाएगी आर माइनस माइनस वन कोमा वन से लेकर जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है पाई बाई टू होती है। अब हम इस वीडियो का लास्ट ग्राफ जो है हमारे पास कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स आप देख सकते हो सेम वही होता है, सेम वही होता है, बस शिफ्टेड वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर हम जो ग्राफ लेने वाले हैं कोसेक एक्स के लिए जीरो से लेके पाई बाई टू तक, यहाँ से लेके जीरो से लेके पाई बाई टू तक वैल्यू हम लेने वाले हैं ये ग्राफ। तो हमने यहाँ पर कोसेक एक्स के लिए जो बाइंड कर दी गई है वैल्यू हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हम इसके लिए, ये हमने सेक एक्स के लिए जो वैल्यूज ली थी, सेक एक्स के लिए जो वैल्यूज ली थी हमने जीरो टू पाई ली थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए हम वैल्यूज जो लेने वाले हैं माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेने वाले हैं। अगर हम ये वैल्यू लेने वाले हैं, अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ तो यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए एक वैल्यू आने वाली है जिसकी वजह से यहाँ पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होने वाला है। तो मुझे इसलिए ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, जो कि आपकी जीरो है, जीरो पर ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करने वाला है। तो इसलिए आप माइनस कर देते हो जीरो, ये आपकी डोमेन है। अब रेंज की हम बात करते हैं, रेंज में आप देख सकते हो अगेन आपके पास माइनस वन और वन के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी रेंज में से आर माइनस माइनस वन कोमा वन आ जाता है। अब ये तो था कोस एक्स के लिए, कोस इनवर्स एक्स के लिए, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए आप बता सकते हो, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए आर माइनस माइनस वन कोमा वन ये डोमेन होती है और आपकी रेंज होती है माइनस वन पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, एक्सेप्ट आपका जो नंबर होता है वो जीरो होता है। और ये आपको डोमेन और रेंज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। इस तरीके से ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।